बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। प्राणधार सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, मुझे आदेश हुआ है कि सर्वदेशी चर्चा हो। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो निजानंद दर्शन के सिद्धांत को वर्षों से जानते आए हैं, भले ही मानते नहीं हैं, और कुछ धर्म प्रेमी सज्जन वृंद ऐसे हैं जो अभी जानने की जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं। तो जैसा आदेश हुआ है मैं उसी का पालन करते हुए विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी अभी हमने आचार्य विजय जी के मुखारविंद से एक विशेष विषय को लक्ष्य बनाकर या केंद्रित बनाकर चर्चा सुनी कि अखंड में पहुंचने के लिए या परमात्मा को पाने के लिए हमें स्वयं की सफाई की आवश्यकता है अथवा पवित्रता की आवश्यकता है। प्रश्न ये होता है कि जिस परमात्मा की प्राप्ति की बात की जा रही है, जिस अखंड मुक्ति की बात की जा रही है, तो वो परमात्मा है कौन और उसको पाने का मार्ग कौन सा है। इससे भी पहले ये प्रश्न उठता है कि परमात्मा को पाना ही क्यों या अखंड की प्राप्ति की आवश्यकता क्यों है। ये संसार भी तो अच्छा लग रहा है देखने में, इस संसार में भी तो सुख है, ये प्रश्न होते हैं हमारे मन में। जो बालक है वो तो इस विषय में सोचता भी नहीं है, उसके पास ये सब सोचने की बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। उसके लिए तो घर में खाना मिल गया, वो खाना खाता है, खेलता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। कोई कोई विरला ऐसा होता है जो अपने पूर्व जन्म के संस्कार से या फिर आध्यात्मिक भावना वाले माता पिता के संस्कार से बाल्य अवस्था से ही अध्यात्म से जुड़ा होता है। जैसे अभी हमने उस बच्चे के मुख से सुना, वरना देखा जाए तो अधिकांश बच्चे अध्यात्म से या इन सभी विषयों से दूर होते हैं। जो युवा होता है वो अपनी मस्ती में मस्त होता है, उसे क्या लगता है कि जो हम भोग रहे हैं उसी में आनंद है। उसके शरीर में अभी बल है, पूरे जीवन भर में सबसे अधिक सौंदर्य युवा अवस्था में होता है ना। युवा अवस्था में पुरुष या स्त्री दोनों सुंदर दिखते हैं, तो अपने सौंदर्य पर, बल पर उसे घमंड होता है या गर्व होता है, इसलिए वो भी इससे हटकर सोच ही नहीं पाता। जैसे बहुत गिने चुने थोड़े से बच्चे अध्यात्म से जुड़े होते हैं, इसी तरह से युवाओं में भी बहुत कम है जिनके मन में अपने वर्तमान से हटकर, विषय भोग से हटकर आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में सोचने का भाव आता है। और जिसने न बाल्यकाल में भक्ति की, न किशोरावस्था में भक्ति की, अचानक से वृद्धावस्था में उसे कोई बात सिखाई जाती है तो बहुत जल्दी उसे समझ में नहीं आता है। लेकिन बात समझने ना समझने से भी अलग, वृद्धावस्था में ऐसा होता है कि पूरे जीवन का एक अनुभव होता है, उसे ये बात समझ में आ गई होती है कि वास्तव में संसार में सुख तो कहीं भी नहीं है,
कुत्र अपि को अपि न सुखी, कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। बालक जो सोच रहा था, अभी कल परसों भी कहीं पे चर्चा हो रही थी, मैंने एक दृष्टांत दिया था समझाने के लिए, कि जब बालक 5-7 साल का होता है, स्कूल जाने लगता है, उसे दुनिया क्या सिखाती है कि स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लो तो सुख ही सुख है। फिर स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है, अब कॉलेज जाना पड़ जाए, उसको लगता है कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी मिल गई, पैसे कमाने लग गए तो सुख ही सुख है। लेकिन जब नौकरी करने लगते हैं तो पता चलता है कि नहीं, जीवन तो पशुवत हो गया है, पशु के जैसा हो गया है कि मुर्गे की बांग की तरह उठना पड़ता है, गधे की तरह मेहनत करना पड़ता है और कुत्ते की तरह डांट खानी पड़ती है ना? पशुवत हो गई कि नहीं जिंदगी? तो जब हम नौकरी करने लगते हैं तब भी सोचते हैं कि अच्छा रिटायर्ड हो जाएंगे तब सुखी होंगे, लेकिन रिटायरमेंट की अवस्था आते आते तो न मुंह के दांत काम करते हैं न पेट के आंत काम करते हैं, दोनों काम नहीं करते। इसलिए लौकिक सुख भोगने की भी क्षमता नहीं होती है। अब जीवन का अनुभव हो गया है, उसे पता है कि नहीं, सुख तो यहां पर नहीं था। जिस सुख के पीछे हम भाग रहे थे, दर्शन, उसे मृग तृष्णा कहते हैं। वाणी में मृग तृष्णा शब्द कितनी बार आया है कि नहीं, और वितक में इसी को कहा है चचोड़त ठौर मुर्दार, कोई न अघाया इनमें, चचोड़त ठौर मुर्दार, कोई यहां से प्रसन्न होकर के नहीं जाता है, खुश होकर के नहीं जाता है, सुखी होकर के नहीं जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि यहां सुख नहीं है तो जिन जिन भोगों का हम उपभोग कर रहे हैं वो क्या है? अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, ये क्या है? ये है क्षणिक सुख। क्षणिक कैसे? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए लगता है कि इसमें सुख है। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये उदाहरण बार बार देता हूं क्योंकि हम सब ने ये भोगा हुआ है, हर कोई भुगतता है इसको, कि मान लीजिए कि भोजन में सुख है। अभी सब लोग खाना खा के आए बैठे हैं ना, यहाँ पर अधिकांश, हो सकता है किसी ने किसी कारण से नहीं खाया हो, पर बाकी तो सब ने खाना खा लिया है। खाना खाते समय अच्छा लगा होगा, लेकिन वो खाना भी तब अच्छा लगा जब हम पहले ही भूख से दुखी थे। इसका मतलब खाने का सुख लेने के लिए भी पहले दुखी होना पड़ता है। और किसी ने अगर 3 के जगह पर 4 रोटी डाल दी और जबरदस्ती खानी पड़ी तो वही खाना सुख के जगह पर दुखमय होने लगता है। फिर पचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलो, है कि नहीं? तो इस तरह से उसमें भी सुख नहीं है। फिर लगता है कि नहीं, हमें सोने में बहुत आनंद आता है। कितनी देर सोएंगे? ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा। अच्छा आपको कह दिया जाए कि आपको बस बहुत कोमल बिस्तर दिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे तक आपको बिस्तर पर से उठना नहीं है। अब वही बिस्तर सुखी करेगा कि दुखी करेगा, है कि नहीं? इंसान जब बाहर काम करता है तो सोचता है कब बिस्तर में जाऊं, लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से बिस्तर पकड़ ली, कई बार क्या होता है किसी बीमारी में डॉक्टर कहते हैं ना बेड रेस्ट करना है, पहले दिन लगता है कि वाह रेस्ट करना मिल गया, आराम मिल गया। दूसरे दिन लगता है कि नहीं, किसी महापुरुष ने कहा था आराम हराम है, अब पता चल रहा है नहीं? तो न भोजन में सुख दिख रहा है पूर्ण रूप से, न शयन में सुख दिख रहा है। अच्छा बहुत अच्छा मकान बना लेते हैं हम तो हमें क्या लगता है कि अच्छे मकान में सुख है। यदि मकान में सुख होता तो मैं देखता हूं मई जून के समय में गुजरात से लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, मनाली, मसूरी, केदारनाथ उस तरफ घूमने जाते हैं।
या साल में एक बार कम से कम कहीं ना कहीं घर से बाहर की ट्रिप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घर को बनाते हुए हम खुश हो रहे थे, लगातार कुछ दिनों तक रहने के बाद उसी घर में लगता है कि अब तो बोर हो गए घर में रह रहे के। ठीक है, घर का खाना खा खा करके भी परेशान हो गए तो बाहर खाना खाने जाते हैं। तो इसका मतलब जिन जिन चीजों में हम सुख खोज रहे हैं, वास्तव में तो सुख इनमें से कहीं भी नहीं है, इन सब के साथ दुख जुड़ा हुआ है। आपको आपके ही घर में जो बहुत प्यारा लगता है, आपके ही घर में यदि नजर बंद करके रख दिया जाए, कैद करके रख दिया जाए, 2-3 दिन तक तो रह लेंगे, लेकिन आपके घर का मोबाइल बंद कर दिया जाए, टेलीविजन बंद कर दिया जाए, तो ये जो मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह क्या है, घर में रहते हुए भी घर से बाहर जाने का साधन है। वहीं बैठे बैठे हमारा मन बाहर जाता है। क्यों? क्योंकि घर में सुख नहीं है। ठीक है, तो न भोजन में सुख मिल रहा है, न सोने में सुख मिल रहा है, न अच्छे मकान में सुख मिल रहा है। अच्छा, किसी को लगता है कि विवाह कर लेने में, शादी कर लेने में सुख है। सबको पता चल रहा है, सब मन ही मन सोच रहे हैं कि हमने किया है, हमें पूछ लो कितना सुख होता है। तो कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। गृहस्थी को लगता है कि जिन्होंने नहीं किया वो खुश हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनको लगता है कि देखो गृहस्थी खुश हैं। कोई भी अपनी अपनी अवस्था से खुश नहीं है, सुखी नहीं है। इसलिए जब सब तरफ सुख ढूंढते गए तो हमारी अवस्था हो गई अकबर के जमाने के एक मूर्ख जैसी। अकबर के जमाने में अकबर ने बीरबल को 10 मूर्ख ढूंढ के लाने के लिए कहा था किसी समय। तो वो 8 मूर्ख लेकर के आ गए थे। इनमें से एक मूर्ख की कहानी में संक्षेप में बताता हूं आपको। तो बीरबल जा रहे थे मूर्ख को ढूंढते हुए रात को घोड़े पे बैठ के। चांदनी रात थी पूर्णमासी की, पूनम की, और वो घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी कुटिया के बाहर आंगन में कुछ ऐसे हाथ से छूने का, ढूंढने का प्रयास कर रहा है। बीरबल पास में चले गए, उन्होंने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी सुई गिर गई है। तो बीरबल ने सोचा कि चलो बेचारे की मदद कर देता हूं। बीरबल भी ढूंढने लग गए, बहुत देर तक आंगन में ढूंढते रहे, मिली नहीं। तो बीरबल ने पूछा कि अच्छा बताओ तो गिरी कहां पर थी, उसी हिसाब से ढूंढेंगे। वो आदमी कहता है कि सुई तो घर के अंदर गिरी थी। बीरबल ने पूछा कि फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, तो कहता है कि घर के अंदर तो अंधेरा था ना, इसलिए बाहर ढूंढ रहे। वास्तव में हम जहां जहां भी सुख ढूंढ रहे हैं, सुख कहीं नहीं है। सुख का मूल कौन है? हम सुबह की सेवा पूजा में कहते हैं सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। उपनिषद दर्शन के ऋषि कहते हैं, ग्रंथकार, कि तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न एतरेषाम। जब तक उस परमात्मा को आत्मस्थ होकर के अर्थात आत्मिक दृष्टि से देख नहीं लेते, तब तक वास्तविक सुख की या आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे पहले जिन जिन वस्तुओं को हम सुख समझ रहे हैं वो तो छलावा है, मृग जल है। जैसे मृग जल का मतलब क्या होता है, रेत में या फिर पक्की नई नई जो सड़क बनी होती है ना, हम गर्मियों में जब उसमें गाड़ी में यात्रा कर रहे होते हैं तो दूर कहीं पर पानी जैसा लगता है, लेकिन वहीं पर पहुंचने पे पानी नहीं होता है, फिर उतनी ही दूरी पर और आगे पानी दिखाई पड़ता है। आप जीवन भर खोजते रह जाएंगे, पानी की प्राप्ति आपको वहां नहीं होगी। इसी तरह से सुख तो यहां है ही नहीं। इसीलिए दर्शनकार ने कहा कुत्र अपि कोऽपि न सुखी, कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। तब जाकर के पता चला कि नहीं, सच्चा सुख तो कहां पर है, परमात्मा की प्राप्ति करने में। यहां से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है, यहां से, वरना बाहर ही बाहर ढूंढते रहते हैं उस मूर्ख की तरह। फिर जब अंदर की यात्रा प्रारंभ होती है, उस अंदर की यात्रा को कहा जाता है अध्यात्म।
फिर प्रश्न आता है, जो प्रश्न श्री देवचंद्र जी के मन में आए थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, कहाँ है, क्या लीला करता है, को अहम कुतः आगतोस्मि, क च मे का च मे शक्ति, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, इस तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। फिर अब ढूंढेंगे कहाँ पर, अब अंधेरे में नहीं ढूंढ सकते, जहाँ मिलेंगे वहीं ढूंढना पड़ेगा। तो अब तक जब से ये सृष्टि बनी 1,96,08,53,123 वर्ष व्यतीत हो चुके, अब तक जिन जिन लोगों ने खोज की, उन सभी लोगों ने खोज करके अपना अनुभव, उपनिषद, दर्शन इत्यादि ग्रंथों में दिया, गीता में दिया। तो उन ग्रंथों को जब हम खोजते हैं तो उन्होंने जितना पता लगाया संकेत में बताया कि सोते ताही बोलिया, जो गया जहां लो चल। तारतम वाणी ने उन सभी संकेतों को खोल दिया। प्रश्न ये था कि वो परमात्मा कौन है, वो अखंड स्थान कहां पर है जिसकी हमें प्राप्ति करनी है, जिसको प्राप्त करके हम वास्तविक आनंद को पा सकते हैं। क्योंकि हम परमात्मा को क्या कहते हैं, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद कहते हैं ना, आनंदो ब्रह्म इति व्यजनात् कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो कैसा है, आनंद का स्वरूप है। और ये ब्रह्म आनंद का स्वरूप है, ये निजानंदियों के लिए नहीं है कि निजानंद संप्रदाय में है तो ब्रह्म आनंद स्वरूप हो गया, कोई वैष्णव मत का आए तो नहीं नहीं मैं तो ब्रह्म को आनंद स्वरूप नहीं मानूंगा, मैं तो दुख का स्वरूप मानूंगा, ऐसा कोई कहेगा नहीं, कहेगा ना। कोई शिवजी को मानने वाला होगा, शैव होगा, वो भी ये नहीं कहेगा कि नहीं ब्रह्म जो है वो आनंद का स्वरूप नहीं है। कोई मुसलमान भी होगा, वो ये नहीं कहेगा कि ब्रह्म तो दुख का स्वरूप है। कोई ईसाई व्यक्ति भी ये नहीं कहेगा कि ब्रह्म दुख का स्वरूप है। तो आनंद ब्रह्म का स्वरूप है या ब्रह्म आनंद का स्वरूप है, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और जो वास्तविक अध्यात्म है वो भी सार्वभौमिक सत्य है, भाषा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब प्रश्न आता है कि वो परमात्मा कौन है। अब मैंने कहा कि या कोई वैष्णव हो सकता है, कोई शैव हो सकता है, कोई शाक्त हो सकता है, कोई सगुण भक्ति धारा का अनुयायी हो सकता है, कोई निर्गुण भक्ति धारा का अनुयायी हो सकता है, कोई ईसाई, कोई मुसलमान, कोई भी हो सकता है, कोई सिख पंथ का अनुयायी हो सकता है। तो अब इन सब के हिसाब से हम परमात्मा किसको माने। कोई शिवजी की भक्ति करता है, वो कहता है कि हाँ परमात्मा आनंद का स्वरूप है और शिव परमात्मा है, कोई कहेगा विष्णु परमात्मा है, कोई कहेगा कि नहीं हम तो गॉड को मानते हैं, द सुप्रीम ट्रूथ लॉर्ड को मानते हैं, कोई कहेगा नहीं हम तो अल्लाह को मानते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि परमात्मा कितने हैं, कौन है, उसको पहचानने के लिए पहले इस प्रश्न का जवाब खोजना पड़ेगा कि परमात्मा कितने हैं। परमात्मा एक है, ये तो सब मानेंगे, सभी मानेंगे और मानना ही पड़ेगा। देवी देवता अनेक हो सकते हैं, हिंदू मत में एक विचारधारा है 33 करोड़ देवी देवता वाली, दूसरी विचारधारा है 33 प्रकार के देवी देवता वाली, यस्य त्रयंतिंशत् देवा निधिम रक्षन्ति सर्वदा। तो आप चाहे 33 प्रकार के मान लो, चाहे 33 करोड़ मान लो, लेकिन देवी देवता से भिन्न परमात्मा तो एक है। क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में सर्वप्रथम वेद का स्थान है, वेद क्या कहते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यवम मातर ईश्वानम अहो, सत्य एक है। लेकिन उसे ज्ञानी भिन्न भिन्न नामों से, उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। परमात्मा कितने हैं, तो वेद का जवाब है परमात्मा एक है, और उसके अलावा न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न अपि उच्यते, परमात्मा दूसरा तीसरा चौथा नहीं है, न पंचमो न षष्ठो सप्तम व्यापी न उच्यते, परमात्मा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा है ही नहीं, परमात्मा कितने हैं, एक। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में इस तरह से उत्तर दिया। इसी तरह से बाइबल को जब हम खोजते हैं,
लगभग प्रत्येक सुंदर साथ को एक वाक्य हमने सुना है बहुत पहले से, एक ही वाक्य याद है, द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन। हमने सुन करके याद किया तो हमें ये पता है बाइबल में जो एक्चुअल लाइन है वो ये है कि द गॉड योर लॉर्ड इज ओनली वन, परमात्मा एक है, भाव एक ही है, पर मैं आपको केवल एक सुधारा हुआ वाक्य बता रहा हूं। इसी तरह से कुरान की जब बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कुल्लहू अल्लाह अहद, अल्लाह तो एक है। नानक जी की वाणी कहती है नानक एको सुमरिए, कितनों का स्मरण करना है, एक का स्मरण करना है। तो दुनिया में जितने भी मतमतांतर हैं सब मानते हैं कि एक है। जब एक है तो यहां इतने सारे मतमतांतर क्यों हैं? क्योंकि हमने उस एक की वास्तविकता को नहीं समझा। हिंदुओं ने वेद उपनिषद दर्शन पढ़ना छोड़ दिया और केवल पौराणिक आख्यानों को ही धर्म का आधार मान लिया। पुराण किस लिए है? देखिए, पुराणों में ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो बच्चों को कोई बात समझाने के लिए लिखी गई है। अब बच्चों को कोई बात समझानी हो, कोई दर्शन की कठिन बात समझानी हो तो कैसे समझाया जा सकता है? कहानियों के माध्यम से। जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एक कहानी हम सब ने सुनी है कि जंगल में कछुआ और खरगोश के बीच में रेस हुई थी, जिसमें कौन जीता था? कछुआ जीता था। क्या आपको लगता है कि सच में ऐसी घटना हुई होगी? आपको लगता है? नहीं हुई ना। लेकिन ये तो हम सबको ये बताने के लिए कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो धीरे धीरे लेकिन निरंतर रूप से कार्य करता है वो रेस जीतता है, इसलिए ये कहानी बताई गई। इसी तरह से एक कहानी हमने खरगोश और शेर वाली सुन रखी है कि एक खरगोश ने शेर को कुएं में उसकी ही परछाई दिखा करके धकेल दिया था। कहानी बहुत लंबी है, मैं केवल आपको बात समझा रहा हूं क्योंकि आपको पता है। क्या आपको लगता है कि ये कहानी सच में हुई होगी? शेर चुपचाप खरगोश की बात सुनता जाएगा, कुएं में जाएगा, कूद जाएगा? ये कहानी नहीं हुई थी ना। लेकिन पंचतंत्र, हितोपदेश, ऐसे ऐसे जो ग्रंथ के रचनाकार हुए हमारे ऋषि, मनीषी, ज्ञानी, नीतिज्ञ, उन्होंने क्या किया कि अच्छी अच्छी बातों को समझाने के लिए उन पशुओं के माध्यम से, कभी पहाड़ों के माध्यम से, कभी बादलों के माध्यम से कोई बात बताई गई। इसी तरह से पुराणों के जो रचयिता हुए ग्रंथकार, हम तो वेदव्यास जी का नाम जानते हैं लेकिन वेदव्यास जी ने पुराण नहीं लिखे हैं, उस विषय में अभी मैं आता हूं। तो जिन्होंने पुराण लिखे उन ग्रंथकारों ने सिर्फ जनता को ये समझाने के लिए कि हमें धर्म का रास्ता अपनाना है, अधर्म का रास्ता छोड़ना है, इस बात को समझाने के लिए अलग अलग कहानियां बनाई और बताई। वास्तविक सत्य नहीं है। जैसे वो खरगोश की, कछुए की कहानी, शेर की कहानी सत्य नहीं है, इसी तरह से पुराण भी वास्तविक सत्य नहीं है। लेकिन पुराण के माध्यम से गंभीर सत्य को, गहन रहस्य को वहां कहानियों के माध्यम से खोला गया है, जिसको हम आलंकारिक वर्णन कहते हैं। अभी तो हमारे पास कल का परसों का समय है, कल भी यदि समय मिला तो हम उन आलंकारिक विषयों की बात करेंगे। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूँ साथ में, जैसा कि मैंने बीच में कहा था कि पुराण व्यास जी ने नहीं लिखे हैं, क्योंकि यदि एक वेद व्यास जी पुराण लिखते, कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं, ठीक है। जहां विष्णु पुराण लिखा है, विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि सबसे पहले कौन आए? विष्णु भगवान, और उनके बाद उनके द्वारा ब्रह्मा जी और शिव जी की सृष्टि हुई, और विष्णु भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने सृष्टि को चलाया।
शिव पुराण की बात आती है तो उसमें बताया गया कि शिव सबसे पहले आए और ये दोनों बाद में आए। इसी तरह से वायु पुराण की बात करते हैं तो उसमें वायु का महत्व बताया गया है। देवी भागवत महापुराण पढ़ते हैं तो सबसे पहले बताया है कि देवी आई और उनसे ब्रह्मा विष्णु और महेश बने। तो हर पुराण में जिसका नाम लिखा है उसकी सबसे बड़ी महिमा और बाकियों को छोटा करके बताया है। यदि एक व्यास जी ऐसा लिखते तो इस तरह की बातें थोड़ी होती। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए, मैं व्यास जी हूँ, ठीक है, और इधर मैं विजय जी के बारे में एक ग्रंथ लिखूं और उसमें बताऊं कि हमारे समाज में सबसे बड़े विद्वान विजय जी हैं और विजय जी ने राम सिंह भाई जी को भी प्रशिक्षण दिया है, सूर्य प्रताप जी को भी प्रशिक्षण दिया है, अशोक जी को भी प्रशिक्षण दिया है। फिर मैं दूसरी किताब लिखूंगा राम सिंह पुराण और उसमें लिखूंगा कि राम सिंह भाई जी हमारे समाज के सबसे बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अशोक जी को भी प्रशिक्षण दिया है, विजय जी को भी प्रशिक्षण दिया है, सूर्य प्रताप जी को भी सिखाया है। फिर तीसरा पुराण लिखूंगा सूर्य प्रताप पुराण और उसमें इसी तरह से लिखूंगा, तो आप मेरी बात मानेंगे? क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, मेरी मान्यता ही खत्म हो जाएगी कि ये तो जिसके पास जा रहा है उसी की चापलूसी कर रहा है। तो आप पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी को मान करके वेद व्यास जी को चापलूस सिद्ध कर रहे हैं? नहीं, 18 पुराणों की रचना भी अलग अलग समय में हुई है, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा हुई है और वहाँ कोई और बात समझाने के लिए ये सब ग्रंथों की रचना हुई है। खैर अभी तो मेरा विषय कुछ और है, मैं केवल आपको इतना बताना चाह रहा था कि इन सब पुराणों की रचना हुई जिसमें अलग अलग देवी देवताओं का वर्णन किया है। पर वास्तव में हिंदू मत में या सनातन मत समझ लीजिए, इसमें एक परमात्मा की उपासना की बात की, लेकिन जब से हमने वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता इत्यादि ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया, केवल पुराणों के पीछे पड़े या पुराणों को पकड़ा, तब से ही सनातन धर्म या वैदिक धर्म विभिन्न भागों में बंट गया। आज शैव, शाक्त, वैष्णव, स्मार्त और शैवों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के शैव हैं, वैष्णव में भी रामानुज है, निमानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, फिर उसमें भी रामानंदी हैं, अलग अलग रामाश्रयी हैं, कृष्णाश्रयी हैं, कृष्ण जी को मानने वाले में भी भिन्न भिन्न हैं। ऐसे 1000 से अधिक मत मतांतर हैं, वो भी वास्तविक सत्य से विमुख हो गए और किसी ने भी नहीं बताया कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। इसी तरह से ईसाई मत में भी बाइबल की वास्तविकता को उन्होंने नहीं समझा। आज ईसाई मत में रोमन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट, सेवेंथ डे एडवांटिस्ट, ऐसे लगभग 13-14 संप्रदाय हैं विशेष। और छोटी छोटी शाखाओं की बात करें विचारधाराओं की, तो 16 अलग अलग प्रकार के बाइबल तथा 40,000 प्रकार के विचारधाराएं उसमें हैं। इस्लाम मत की बात करें तो उसमें भी सिया, सुन्नी, सूफी, बहाई, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, ऐसे कितने फिरके हैं? 72 फिरके हैं। ये सभी मूल धर्म ग्रंथों से विमुख हो गए और एक परमात्मा की पहचान नहीं कर पाए। खैर, इस्लाम मत और ईसाई मत में एक अच्छी बात यह है कि कट्टरता है, वो अलग बात है, वो नकारात्मक पक्ष है, हिंसक है, वो भी नकारात्मक पक्ष है, पर परमात्मा एक है इस विचारधारा को वो मानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कट्टरता तो नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक परमात्मा की पहचान नहीं कर पाए, ये नकारात्मक पक्ष है। तो अभी हमने ये सुना कि परमात्मा एक है, अब प्रश्न यह है कि वो परमात्मा कैसा है, क्योंकि एक होगा तो एक जैसा ही होगा ना, उसके भिन्न भिन्न रूप तो नहीं होंगे, भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं होंगे। तो परमात्मा कैसा है, इस प्रश्न का समाधान आप दुनिया में ढूंढेंगे तो बिना तारतम ज्ञान के नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जवाब ही नहीं है, पर तारतम ज्ञान के बिना मिलेगा ही नहीं। तारतम ज्ञान वो प्रकाश है,
जिसके उजाले में आपको धर्म ग्रंथ के जो छोटे छोटे रहस्य हैं वो दिखाई पड़ते हैं। आप हिंदू मत में जो साकारवादी हैं उनको पूछेंगे परमात्मा कैसे हैं, तो साकारवादी में जो राम की उपासना करते होंगे वो कहेंगे कि परमात्मा के हाथ में धनुष है, बाण है, बगल में सीता जी बैठी हुई हैं, एक तरफ लक्ष्मण बैठे हुए, चरणों में हनुमान जी बैठे हुए, यही जवाब देगा। जो कृष्ण जी का उपासक होगा वो कहेगा कि परमात्मा तो श्याम वर्ण के हैं, हाथ में बांसुरी है, मोर मुकुट है, पीछे गाय है और उसमें टिक करके बांसुरी बजा रहे हैं, या फिर कोई बोलेगा कि राधा जी के पास में वो बैठे हुए हैं, या फिर कृष्ण जी के भी तो अभिन्न भिन्न तस्वीर दिखाए जाते हैं ना, कोई रथ पर बैठ करके अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण की उपासना करेगा भिन्न भिन्न रूपों में। जो शिव जी को मानता है उसको पूछा जाए कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो वो कहेगा कि व्याघ्र चर्म, बाघ की चमड़ी उन्होंने लपेटी है, गले में सर्प की माला है, त्रिनेत्रधारी है, हाथ में त्रिशूल है, सिर पर से गंगा बह रही है जटाओं में से, और सिर पर चंद्रमा है, पार्वती पति और गणेश तथा कार्तिकेय के पिता हैं, नंदी की सवारी करते हैं। इसी तरह से बोलेगा जो विष्णु भगवान की उपासना करेंगे और वो कहेंगे कि चार हाथ है, वैकुंठ में रहते हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। अब आप बताइए, ये तो मैंने अभी शुरुआत की, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अब आप बताइए कि जब परमात्मा एक है तो इतने सारे अलग अलग रूप रंग कैसे हो गए, अलग अलग शोभा कैसे हो गई? तो ये सभी परमात्मा नहीं है, ये सभी देवी देवता हैं या महापुरुष हैं। इनकी वास्तविकता हम कल की चर्चा में जरूर सुनेंगे, ऐसा कहते हुए मैंने पहले ही टाइम मांग लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं मूल विषय में कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? अब साकारवादी विचारधारा से हट करके दूसरी विचारधारा की तरफ बढ़ते हैं हिंदुओं में, तो वो कहेंगे कि परमात्मा तो कैसा है, निराकार है। मुसलमानों से पूछेंगे वो भी कहेगा परमात्मा के लिए चार शब्दों का प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से स्वरूप के विषय में, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं। वो कहेंगे बेचून, बेचगुन, बेसब्बी और बेनिमून है, निराकार, निर्गुण है, अनुपम है। ईसाई से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि परमात्मा निराकार है। फिर प्रश्न रहेगा कहाँ रहता है, तो वो कहेंगे स्वर्ग में या फिर अर्श अजम में। अब तारतम ज्ञान की दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि परमात्मा निराकार नहीं है, क्योंकि जिस वेद का आधार लेकर के निराकार कह रहे हैं उसी वेद में परमात्मा के लिए क्या कहा गया है कि वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तमसः परस्ता। तमस अर्थात प्रकृति के अंधकार से परे आदित्य वर्ण वाला, सूर्य के समान प्रकाशवान है, हम कहते हैं उसको नूरी स्वरूप वाला। इसी तरह से क्या कहते हैं, येषाम इंद्रो युवा सखा, परमात्मा को कहा गया है कि वह युवा स्वरूप वाला है, वह परमात्मा किशोर स्वरूप वाला है। ऐसे एक नहीं अनेकों वेद मंत्र है, अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसे न तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्योर आत्मानम धीरम अजरम युवानम। वो परमात्मा धीर है, अजर है, अजर अर्थात कभी बूढ़ा नहीं होता है, वृद्ध नहीं होता है, आनंद स्वरूप वाला है, लौकिक कामनाओं से रहित है और युवा स्वरूप वाला है। तो वेद परमात्मा को किशोर स्वरूप वाला और प्रकाशमान स्वरूप वाला क्या कहते हैं, तेजो असी तेजोमयी धेय, हे परमात्मा आप तो तेजवान है और मुझे भी तेजवान बनाइए। हम गायत्री मंत्र भी हम सबको याद है, उसमें भी हम कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि तत् सवितुः वरेण्यम, कि वह सविता अर्थात सूर्य के समान प्रकाशमान परमात्मा एकमात्र वरण करने योग्य है। तो इस तरह से अनेक स्थानों में परमात्मा को तेजवान प्रकाशवान बताया है। अथर्ववेद उस परमात्मा को कहता है सुरूप कृत्नुम अर्थात सौंदर्य का निर्माता। जो स्वयं सौंदर्य का निर्माता हो वो सौंदर्य से रहित कैसे हो सकता है? तो अनेक स्थानों में उसके सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है, जैसा कि हम कहते हैं स्वरूप
सुंदर, संकोल, सकोमल और ऐसे वाणी में जिस परमात्मा की शोभा के बारे में केवल संकेत किया है वेदों ने, उसका पूरा स्वरूप नख से लेकर के सिख तक इस ब्रह्मवाणी में कितनी बार किया है? 7 बार। आपने वाणी तो पढ़ी है ना, तो 7 बार राज्य की शोभा का वर्णन किया है। इसी तरह से ये तो मैंने हिंदू धर्म ग्रंथों की बात की, कतेब पक्ष में भी शबे मेराज की बात आती है कि मुहम्मद साहब ने परमात्मा का दर्शन किया था, अल्लाह का दीदार किया था। उसमें भी वो कहते हैं कि मैंने मेराज की रात में खुदा की अमृत सूरत का दीदार किया, अमृत अर्थात किशोर स्वरूप का दीदार किया, दर्शन किया, जिनके गेशुओं में से, गेशु मतलब केस, बाल, जिनके गेशुओं में से इत्र की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। हम राज्य के शोभा का वर्णन करते हुए इसी तरह की बात करते हैं। बाइबल का आधार लेकर के जो परमात्मा को कहते हैं कि निराकार है, बाइबल में भी ये बात आती है कि परमात्मा तो स्वरूपवान है। कैसा स्वरूप वाला है? क्या कहते हैं बाइबल में एक सबसे पहली जो किताब है उसका नाम है सृष्टि की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस। उसमें एक लाइन आती है कि द गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ऑन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपनी जैसी आकृति में बनाया। इसका मतलब परमात्मा का स्वरूप है ना, तो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन इन आंखों से हम उसे नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें अंतर चक्षु खोलने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे आचार्य विजय जी से अभी आपने सुना कि जब तक हमारा अंतस निर्मल नहीं होता, जब तक हमारा अंतस्करण पवित्र नहीं होता, तब तक हम उसको नहीं देख सकते। तो अभी तो हमने स्वरूप के बारे में थोड़ा सा जानना सुनना प्रारंभ किया है। तो परमात्मा स्वरूपवान है, कैसा है वो पता चला। अब प्रश्न यह है कि कौन है। अब कौन है कहते ही मन में अलग अलग प्रश्न आते हैं ना, कि उसको किस नाम से पुकारा जाए। वैसे तो वह नाम से परे है। नाम से परे कैसे है? क्योंकि शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? शून्य से, और वह तो शून्य निराकार से भी परे है। इसलिए हम उसको शब्दातीत कहते हैं, इसलिए हम उसको अक्षरातीत कहते हैं। लेकिन उसके गुणों के आधार पर यहां पहचानने के लिए हम उसे राज्य कहते हैं। राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हमने कहा कि वो दिव्य प्रकाशमान है, और राज का अर्थ भी यही होता है, राज्री दीप्तौ धातु से राज शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, जिसको प्रकाशित करने के लिए टॉर्च दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं प्रकाशित है। इसलिए स्वयं प्रकाशित होने से हम उसे राज कहते हैं। इसी तरह हम ये मानते हैं कि हम सबके अंदर चेतना है, जिसे प्राण कहा जाता है। सबके अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और नास्तिक तक भी, सबके अंदर एक चेतना है जिसको हम प्राण कहते हैं, और उसका नाथ, नाथ मतलब मालिक, उसका प्रियतम। तो हम सबके प्राण का नाथ होने की वजह से हम उसे प्राणनाथ कहते हैं। इसी तरह चूंकि हम उस परमात्मा से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, है कि नहीं करते हैं, कह देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, करना चाहिए, उस परमात्मा से सबसे अधिक प्रेम होना चाहिए, इसलिए हम उसे प्रियतम कहते हैं, प्राणवल्लभ कहते हैं, प्राणेश्वर कहते हैं, भिन्न भिन्न शब्दों से उसे संबोधित करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि केवल इन्हीं शब्दों से उसे पाया जाएगा, उसे शब्दों से तो पा ही नहीं सकते। हाँ, किसी को बताना हो तो बताया जा सकता है, उसे पाने के लिए तरीका यही है जो अब हमने विजय जी की चर्चा में सुना, उन्होंने भिन्न भिन्न उपाय बताए। वे सभी उपाय हैं परमात्मा को पाने के। और निजानंद दर्शन की एक विशेषता है, आप दुनिया में जितने भी संप्रदायों में जाएंगे उनमें ये बात बताई जाती है
अधिकांश रूप से कि आप हमारे संप्रदाय में शामिल हो जाओ, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको परमात्मा मिल जाएंगे, केवल संप्रदाय में शामिल होने मात्र से। लेकिन निजानंद दर्शन इसकी पुष्टि नहीं करता। हम ये कहते हैं कि केवल तारतम लेने से राज्य नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रेम लक्षणा भक्ति का पालन करना पड़ेगा। और यही सत्य है, किसी भी संप्रदाय में केवल शामिल हो जाने से यदि आप उन नियमों से जो अध्यात्म का नियम है, जो धर्म का नियम है, उसके विपरीत जाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि सत्य तो सबके लिए एक समान रहेगा ना, आध्यात्मिक नियम सबके लिए एक समान रहेंगे। परमात्मा हिंदुओं के लिए अलग नियम बना करके, मुसलमानों के लिए अलग नियम बना करके, या किसी और संप्रदाय के लिए अलग नियम बना के तो नहीं बैठा है, वो तो सबका है। हम वाणी में क्या कहते हैं, सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक ही दया। तो उसके लिए, उसको पाने के लिए भी एक जैसा ही नियम है कि हमारे हृदय को निर्मल करना ही होगा, उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही होगा, और हमारे चित्त को या अंतस्करण को विकार से दूर करना ही होगा। विकार दूर हुए बिना, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, विकार समाप्त किए बिना हम अखंड में नहीं पहुंच सकते। बाकी यदि कोई भी ये कहता है कि आप केवल हमारा नाम ले लो, आप केवल हमारे गुरुजी से मंत्र ले लो, दीक्षा ले लो, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मैं कहूँगा वो पाखंड है। क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा किसी भी वेद मंत्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये प्रावधान ही नहीं है। न वेद ये कहता है, न वाणी ये कहती है, न कुरान और बाइबल ये कहते हैं। बाइबल में भी ये बात बताई गई है कि वो परमात्मा, उसे केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कुरान ये बात कहती है, जो लोग ये कहते हैं ना कि यहाँ पर बलि दे करके, बकरीद वगैरह में बकरी इत्यादि की, ऊँट की और विभिन्न जानवरों की बलि दे देते हैं, या फिर जिहाद इत्यादि करते हैं, कुरान का ये कथन है कि मुझ तक तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए न मांस पहुंचता है, न चमड़ी पहुंचती है, न हड्डी पहुंचती है, न चर्बी पहुंचती है, न खून पहुंचता है। मुझ तक क्या पहुंचता है, जो तुम सच्चे दिल से तकवा करते हो, प्रार्थना करते हो, मुझे याद करते हो, बस वही पहुंचता है। जिसके लिए वाणी क्या कहती है, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। तो उपाय एक ही है संपूर्ण मानव मात्र के लिए। 8 अरब की जनसंख्या है अभी, मेरे लिए अलग नियम और आपके लिए अलग नियम नहीं होगा। सबको इस रास्ते पर देर सवेर आना ही होगा। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई हंसते हुए आएगा, कोई रोते हुए आएगा, लेकिन इसी रास्ते पर सबको आना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं। न अन्य पंथा विद्यते अनायक, कोई और मार्ग नहीं है। तो आज हमने संक्षेप में ये जाना कि परमात्मा कौन है और कैसा है। कल की चर्चा में यदि समय मिला तो हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि अब तक तो हम इन इन देवी देवताओं को परमात्मा मानते आ रहे थे, क्या हम उनको मानना छोड़ दें, क्या उनको मानना छोड़ने से पाप नहीं लगेगा, या उनका क्या करना है, अगर वो परमात्मा नहीं है तो फिर उनका अस्तित्व कहाँ से आया। ऐसे प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं। यदि कल के मंच में समय मिला तो हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि जितने सुंदर साथ अभी आए हैं, आपके जैसे और भी जो जिज्ञासु लोग होंगे उनको भी लेकर के आएँ। जो आसपास के लोग लाइव से सुन रहे हैं, आपके पास मौका है, वैसे तो इंटरनेट एक सुविधा तो है, घर में बैठ कर के चर्चा सुन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि चलो घर में बैठ के सुन ही रहे हैं कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। विशेष रूप से उन सुंदर साथ के लिए मैं एक बात कहूँगा। वाणी कहती है, धाम मेलो सदीवे, दुर्लभ मेलो संसार। परम धाम में तो हम सुंदर साथ सब साथ में ही थे, लेकिन इस संसार में मिलना जल्दी से नहीं हो पाता है। ऐसे ही कार्यक्रमों का अवसर होता है जहाँ
एक दूसरी ब्रह्म सृष्टियों को, ब्रह्मात्माओं को देखने का, उनको सुनने का, उनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यहाँ तक स्वामी जी पहुँचे हैं या और भी प्रचारक पहुँचे हैं, राज्य की वाणी की चर्चा हो रही है, तो यथा संभव जितना संभव हो जितने लोग आ सकते हैं यहाँ इस कंथराई की धर्मधरा पर, यहाँ आकर के चर्चा सुने। जो लोग आने में सक्षम नहीं है वो इंटरनेट का माध्यम प्रयोग करें और अपनी आत्म जागृति में आगे बढ़ें। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार।